सुपर टेक्निकल अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास वाला घंटे का बटन भी दबा दो, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मोबाइल से घर बैठे तुरंत लोन कैसे लें। जी हां दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे को जो है बिना बैंक जाए आपको जो है मोबाइल से ही लोन लेना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं इसमें आपको सारी की सारी जानकारी दिखाने वाला हूं, जिसके अगर आप जो है दोस्तों बिना बैंक जाए आप जो है सिर्फ मोबाइल से ही आसानी से 1,000 से लेकर 15 लाख तक का जो है लोन ले सकते हैं आसानी से। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो है लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए या फिर शादी के लिए, हॉलीडेज़ के लिए। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो है लोन कैसे लेना है मोबाइल से। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर ओपन कर लेना है मोबाइल का, और इधर से आपको जो है इंडिया बुल्स धनी ऐप आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल में। तो दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि ये जो कोई भी फ्रॉड तो नहीं है, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का जो प्रमोशन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। आप सभी को मालूम ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। तो ये दोस्तों कुछ भी फ्रॉड नहीं है, 100% रियल है। तो अब दोस्तों मैंने जो है अपने मोबाइल में जो है इस एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल कर दिया है, अब मैं इसको जो ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद में दोस्तों हमारे सामने जो है साइंस का जो है इंटरफेस आ जाएगा, और हमारे को जो है इधर अलग अलग कर देना है, और इसको जो है परमिशन दे देना है। ये जो भी परमिशन मांगता है इधर आपको दे देना है, और इधर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, मैं इसको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, तो दोस्तों मोबाइल नंबर डालकर हम जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस मोबाइल पर जो है एक OTP आएगा, और अगर आपका सिम है जो मोबाइल के अंदर है तो आपका जो OTP ऑटोमेटिकली जो वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आपको दोस्तों इस रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं जो है रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। तो इधर मैं जो है कोई भी एक मेरा जो फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो मैं इधर जो फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। और आपका जो अगर फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल नहीं है तो आपको जो है एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैंने जो है फिंगरप्रिंट इधर लगा दिया है, और ये होम पर चला गया। मैं आपसे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया है, और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि थंब ID रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऐसा आया है, और ये जो है ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो इधर दोस्तों शुरुआत में भी आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जो है फोटो इधर लगा हुआ है। मतलब ये दोस्तों कुछ भी फ्रॉड नहीं है, एकदम रियल एप्लीकेशन है, इससे जो आप आसानी से इंस्टेंटली तुरंत लोन पा सकते हैं। तो इसके नीचे ही दोस्तों हमारे को ऑप्शन मिल जाता है 2-व्हीलर कार लोन, या फिर आपको जो किस पर लोन लेना है उसको उस ऑप्शन को आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं 2-व्हीलर पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मेरे को जो है बाइक के लिए मेरे को लोन लेना है। तो 2-व्हीलर पर मैंने क्लिक किया, और इधर जो है मैं जो है इसको परमिशन दे देता हूँ, जो भी परमिशन मांगता है मैंने इसको दे दिया है। और अब हमारे को जो है हमारे सामने दोस्तों लोडिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो हमारे को थोड़ा सा वेट करना है। तो इधर एक हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि माई लोन रिक्वायरमेंट, तो इधर हमारे को दोस्तों रुपए एंटर कर देना है कि आपको जो कितना रुपए का लोन चाहिए। मिनिमम इधर 1,000 है आप दोस्तों देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख है आप देख सकते हैं। इधर 15 लाख का तक का जो आप लोन ले सकते हैं आसानी से। और नीचे आप जो है ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको जो है कितना पीरियड के लिए लेना है, जैसे कि 12 महीना, 24 महीना, या फिर 37 महीना, मतलब कि 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं। तो अब मैं जो 1,000 पर क्लिक कर देता हूँ, 1,000 ही सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर इधर जो है नीचे एक ऑप्शन आ चुका है सिर्फ 3 महीने के लिए, मतलब कि 1,000 रुपये तो बहुत ही कम होता है। तो 3 महीने का ऑटोमेटिकली इधर ऑप्शन आ चुका है, और इसके नीचे हमारे को एक ऑप्शन मिल जाता है सैलरी, और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि अगर आपको कोई भी बिजनेस है तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आप जो है सैलरी के लिए, मतलब कि जॉब करते हैं कोई, तो आपको जो है सैलरी पर क्लिक कर देना है। तो सैलरी पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इधर एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा वर्किंग इन, मतलब कि आप किधर वर्क करते हैं, उधर का जो है आपको कोई भी कंपनी या फिर प्राइवेट कोई भी आप जो गवर्नमेंट कुछ भी आप जो है इधर से सेलेक्ट कर देना है। आपको जो है कौन सा जॉब करते हैं वैसे आपको जो है सेलेक्ट कर देना है। तो अब जो है मैं इधर से जो है प्राइवेट कर लेता हूँ, प्राइवेट सेक्टर, तो मैंने जो है इसको सेलेक्ट कर दिया है। और इधर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग सैलरी थ्रू, तो आपका जो सैलरी कहाँ पर मिलता है, तो आपको जो है सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो इधर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको जो है अगर सैलरी आपके हाथ में मिलता है तो आपको जो है कैश पर क्लिक कर देना है, और चेक मिलता है तो चेक पर क्लिक करना है, और या फिर आपका जो है बैंक में आता है सैलरी तो आपको जो है बैंक पर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है हमारे को माई पर्सनल डिटेल एयर, तो आपको जो है इधर अपना जो है करंट एड्रेस डाल देना है, मतलब कि आपको जो है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल देना है, और नीचे एक सिटी का नाम डाल देना है जहाँ पर अभी आप रहते हैं, मतलब कि करंट एड्रेस डालना है। और नीचे एक आपको करंट एड्रेस का पिन कोड डाल देना है, मतलब कि आप जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल देना है। और अगर आपके पास में रेफरल कोड है तो डाल देना है, नहीं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो आप दोस्तों इतना डालकर आप जो है जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे,
तो दोस्तों माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस सारे पेज को आज आपको भर देना है, और फिर आपको आज आगे का स्टेप आएगा कि आपको जो अपना एक आधार कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना है, एक फ़ोटो अपलोड करना है और एक पैन कार्ड का जो है स्कैन कॉपी अपलोड कर देना है। और फिर आपके सामने जो एक और स्टेप आएगा, उसमें आपको जो है बैंक का डिटेल डालना होगा और फिर आपको जो ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो इंस्टेंटली आपके बैंक में जो है आपने जितना भी जो लोन लिया है आपके बैंक में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बस इतना ही दोस्तों स्टेप है, और इतनी ही बस जो है पूरी की पूरी डिटेल है और आपको जो है लोन मिल जाएगा। आपको दोस्तों बस इतना ही काम करना है और आप जो है मोबाइल से आसानी से इंस्टेंटली मतलब कि तुरंत ही लोन ले सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बस में कमेंट करना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरे बारे में, वीडियो के बारे में या फिर चैनल के बारे में आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।